हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अमन पाल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेट है, ये देखिए। डोंट फील बैड इफ समवन रिजेक्ट और इग्नोर्स यू। पीपल यूजली रिजेक्ट और इग्नोर एक्सपेंसिव थिंग बिकॉज दे कांट अफोर्ड दैम। यदि आपको कोई कहीं से इग्नोर कर रहा है या कहीं से आप रिजेक्ट हुए हैं, तो आप बिल्कुल उस चीज़ का बुरा मत मानिए। अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग उसी चीज़ को छोड़ देते हैं या मतलब पसंद नहीं कर पाते हैं जो चीज़ महंगी होती है। और यदि मैं सच कहूँ तो उनकी औकात नहीं होती उस चीज़ की कि वो चीज़ वो अफोर्ड करें। ठीक है, थोड़ा सा सोचना इस बारे में और आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। IFFA 2018 गोल्डन पिकॉक किसने जीता है? तो ये जीता है डॉन बॉस ने। आप इसको नेट पे सर्च करो, डॉन बॉस होता क्या एक्चुअली और डॉन बॉस है क्या और ये अवार्ड। ठीक है, मैं इधर पे अब नहीं बताऊंगा। ये थोड़ा सा सर्च करेंगे, उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे, 2 मिनट देंगे अपना, तो बहुत काम आएगा ये 2-2 मिनट आपके लिए। बहुत एक दिन इतना बड़ा वो हो जाएगा आपका नॉलेज का लेवल कि मैं क्या बताऊँ, यकीन कीजिए। वर्तमान में NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ए एम नायक हैं, जो कि IAS हैं, और इनको नहीं, ये IAS नहीं है, AM नायक हैं। कौन ये हैं? चेयरमैन। और ये किस चीज़ के चेयरमैन हैं? LNT, आपने नाम सुना होगा LNT, लॉन्सन एंड टर्बो, एक कंपनी होती है जो कि भारत में बड़े बड़े ब्रिजों को और रोडों को बनाने का काम करती है। LNT वहाँ पर आपने देखा होगा, इसका फुल फॉर्म होता है लॉर्सन एंड टर्बो। उसके ये चेयरमैन है, AM नायक मतलब मालिक है। ठीक है, 2018 एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो विजय वर्मा और पी राजकुमार। केरला में जो आई थी बाढ़, एक आपने सुना होगा केरला जो अपना स्टेट है उसमें बाढ़ आई थी, तो ये दोनों नेवी के ऑफिसर्स वहाँ पे बिल्कुल दिन रात मेहनत करके लगे हुए थे, तो इनको एशियन ऑफ द पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है इधर पे। स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकता पर प्रोटोकॉल किन दो देशों के बीच समझौते हुए? फ्लैग देख के आप समझ गए होंगे, ये भारत और चीन। ठीक है, ये भारत का है, ये चीन का फ्लैग है। पहला सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी वैश्विक सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये केनिया में किया गया। केनिया साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की स्टेट है। और आप इसका कैपिटल मुझे बता सकते हैं, केनिया की कैपिटल क्या है? किन दो देशों के बीच पोर्ट ब्लेयर IIBR आयोजित किया गया? ये एक बिजनेस मीटिंग है जो मतलब व्यापारियों के द्वारा निर्धारित की गई है। ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य, ये पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ग्रेट निकोबार है जो उसमें, ये पोर्ट ब्लेयर एक आइलैंड है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की कैपिटल भी पोर्ट ब्लेयर है। जनवरी 2019 में 2 दिवसीय वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये मुंबई में किया जाएगा जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। भारत और ब्रिटेन ने कोंकण नामक अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो ये गोवा में, आप सभी जानते हैं। ये है कोरोमंडल, ये है मालाबार तट और ये है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो इधर पे है गोवा, एक छोटा सा स्टेट है, और इस गोवा के स्टेट को कोंकण तट भी बोला जाता है। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन, ये याद रखो। ठीक है, ये नेवी अभ्यास रहेगा वहाँ, इंडियन नेवी और ब्रिटिश की रॉयल नेवी के बीच गोवा में अभ्यास शुरू हुआ। हाल ही में बच्चों के लिए उन्नत व्यक्तिगत रोबोट लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीको। देखो ये है रोबोट। और चाइना ने भी एक ऐसी रोबोट बनाया था बच्चों के लिए, उसका नाम था कीको। और इंडिया ने बनाया है मीको, मीको 2। ठीक है, ये रोबोट है, आप इधर पे देख सकते हैं। ये बच्चों को उनके मतलब पहेली सॉल्व करेगा, और जितने भी जो किड्स होते हैं मतलब जो LKG और अपर KG के बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनको ये गिनती वगैरह ABCD वगैरह सिखाएगा, उनको कहानियाँ सुनाएगा। ठीक है, उनका ये बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, सबसे सीधी बात, मीको 2। ठीक है, सऊदी अरब और भारत के बीच व्यापार बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई रियाद में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा संगम शुरू किया गया है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जितने भी
ये सब भाषा और मानव विकास के काम होते हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के माध्यम से ही होते हैं, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में जांच एजेंसियों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया न्यू दिल्ली में। हमारा ये जो कैपिटल का सीरीज चल रहा था, हम इस पर देखते हैं, तो हमने एफ तक देख लिया था, तो हम देखेंगे आई जे के। तो आई से स्टार्ट होता है आइसलैंड, जिसकी है रिक जेवेकी। और ये याद रखो, यदि क्वेश्चन कभी ऐसा आपको आए कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी कैपिटल है जो कि 60 डिग्री एंटार्कटिका को छूती है, तो ये रहेगी रिक जेवेकी। सॉरी, आर्कटिक लाइन को कौन सी जो कैपिटल है वो सबसे पास कौन सी है, तो ये है रे जेवेके, ठीक है। अब आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसको रेक जेवेकी बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ये वर्ल्ड है और ये नॉर्थन हेमेस्फेयर में आर्कटिक ग्लेशियर के पास सबसे पास स्थित कैपिटल कौन सी है, तो ये रहेगा रेक जेवेक, ठीक है, रेक जेवेक। इंडिया की सबकी को पता होनी चाहिए, न्यू दिल्ली। इंडोनेशिया, जकार्ता। इंडोनेशिया में अभी एशियन गेम्स हुए थे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईरान, तेहरान और ईरान के बीच ईरान में हमने छाबर बंदरगाह को हमने वो किया है, ठीक है। और यहीं पे क्वादर पोर्ट भी है। इराक, बगदाद, आयरलैंड, डबलिन, इसराइल, जेरूसलम, इटली, रोम। जमैका, किंगस्टन। जापान, टोक्यो। जॉर्डन, अम्मान। ये जे का पूरे इतने ही है, बस जे से स्टार्ट होने वाले, वो जे का वो आ नहीं पाया इधर पे, ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल। के की देखते हैं, कजाकिस्तान की अस्ताना, केनिया की है नारबोई, आप इधर पे जीत गए। केनिया की मैंने कैपिटल पूछा था, आप देखो इधर पे देख लो, नारबोई है, ठीक है। किरीबाती की है तारावादा। कोसोवा की है प्रिस्टीना। कुवैत की है कुवैत सिटी। किर्गिस्तान की है बिश्केक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, और आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और ठीक है, कल मिलते हैं।